हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने के बारे में। एक्ने की प्रॉब्लम हम सभी ने एक ना एक बार तो फेस किया ही है, तो हर किसी के लिए एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से। जैसे किसी को स्किन सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, उनका स्किन इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम आ सकती है। कई लोगों को एक्ने होता है हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, कई लोगों को एक्ने होता है गर्मी की वजह से या फिर हीट रैश भी हम जिसे कहते हैं। और एक एक्ने का रीजन आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, वो है मास्कनी। इनफैक्ट मास्क पहनने की वजह से चीक एरिया पर और चिन एरिया पर एक्ने या रैशेस की प्रॉब्लम होना और भी ज्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए हम मास्क को पहन कर रखते हैं, उससे स्वेट बिल्डअप होता है, उससे बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ भी होता है जो कि एक्ने में या ब्रेकआउट या रैशेस में कन्वर्ट होता है। बट उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सकता है सिर्फ एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, वो है सेटन बाय GHC एंटी एक्ने जेल। ये जो जेल है ना, ये आपके फेस में जो भी रैशेस है, एक्ने है, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हार्मोनल एक्ने पूरी तरह से मिटा देना है या फिर पूरी तरह से उससे आपको छुटकारा पाना है, फेस को बिल्कुल क्लियर बनाना है, देन आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपका जो हार्मोनल इंबैलेंस है, जब तक वो इंबैलेंस ठीक नहीं होगा, जब आपका हार्मोन सही से फंक्शन नहीं करेगा, तब तक आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से आप नहीं उसे सॉल्व कर सकते। बट डेफिनेटली ये आपके जो एक्ने है उससे उसका पेन, उसका जो भी स्वेलिंग है उसे ये सप्रेस करने में हेल्प करेगा, आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है उसे ये रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। बट हार्मोनल एक्ने के लिए आपको एक मेडिकेशन या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन बिल्कुल ज़रूरी है, जिससे कि आपका हार्मोनल लेवल नॉर्मल पे आ जाए। बट बाकी जो भी रीजंस है उसके लिए, ये डेफिनेटली पूरी तरीके से आपका जो एक्ने का प्रॉब्लम है उसे ये डेफिनेटली ट्रीट करेगा। लेट मी लुक एट द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट है एक्ने की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में, सप्रेस करने में। जो स्वेलिंग होता है, जो पेन होता है, हम लोग एक्ने को ना बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, बट एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम कैन बी वेरी पेनफुल। जिनको होता है उनको ही पता होता है कि एक छोटा सा स्वेलिंग भी कितना ज़्यादा पेनफुल हो सकता है। तो ये जो पेन है, ये जो उसका स्वेलिंग पोर्शन है, उसे सप्रेस करने में ग्लाइकोलिक एसिड इज एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड हमारे पोर्स को अनक्लॉग करने में हेल्प करता है, पोर्स को डीपली क्लीन करता है, एंड अगर आपके पोर्स क्लीन रहेंगे तो एक्ने की प्रॉब्लम, बैक्टीरियल ग्रोथ काफी कम होगा। सो सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो पोर्स को क्लीन रखता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड एक अमेजिंग इंग्रेडिएंट है जो कि आपके स्किन से जो भी पिंपल मार्क्स है, जो जिद्दी डार्क स्पॉट छोड़ जाता है एक छोटा सा पिंपल, उसे रिड्यूस करने में, उसे पूरा फेड करने में नाइसिनामाइड अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि वो आपके जो आउटर स्किन लेयर है उसको ही पूरा हील करता है, उसको ही पूरी तरीके से ट्रीट करेगा। नेक्स्ट है एलोवेरा। एलोवेरा इज एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। आपके स्किन को सूथ करने में, काम करने में एलोवेरा बहुत ही ज्यादा रोल, अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर रेटिनॉल है, टी ट्री ऑयल है। टी ट्री ऑयल एक्ने के प्रॉब्लम या फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर है, जो कि एक सेंसिटिव स्किन या एक्ने प्रोन स्किन के लिए येट अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। एप्पल साइडर विनेगर भी आपके एक्ने या ब्रेकआउट्स के अगेंस्ट काम करता है और उसे सप्रेस या फिर उसे बिल्कुल पूरी तरीके से रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट इसकी काफ़ी अच्छी है, एंड इसका जो टेक्स्चर है वो भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट टेक्सचर है, जेल फॉर्मुलेशन में है, जो कि परफेक्ट है ऑयली स्किन टाइप्स के लिए, क्योंकि ज्यादातर एक्ने की प्रॉब्लम ऑयली स्किन टाइप्स जिनके होते हैं वो फेस करते हैं। बट आजकल मास्क की वजह से हम सभी को एक्ने या रैशेस की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। स्पेशली मेरे ना चिन एरिया पर मास्क पहनने की वजह से छोटे छोटे रैशेस हो जाते हैं, तो मैं सिर्फ उन रैशेस पर अगर इसे मैं अप्लाई कर देती हूँ तो वो रैशेस ओवरनाइट ही पूरा क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे एज अ स्पॉट
ट्रीटमेंट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ अपने पिंपल्स के ऊपर, एक्नी या रैशेस के ऊपर आप अप्लाई करें, ओवरनाइट छोड़ दीजिए, तो रात को ये आपके एक्नी को हील करेगा, उसे ट्रीट करेगा अच्छी तरीके से एंड उसे रिड्यूस करने में, सप्रेस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट दूसरा तरीका है, आप इसे ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करें, बट मेक श्योर जब भी आप इसे अप्लाई करें आपका पूरा फेस एकदम क्लीन होना ज़रूरी है। आप कोई भी माइल्ड क्लेंजर से फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इस जेल को ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करें, या फिर आप स्पॉट ट्रीटमेंट की तरह सिर्फ अपने पिंपल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो जेल है ये डेफिनेटली काम करता है, मेरे लिए तो ये एक लाइफ सेवर है, क्योंकि मुझे मास्क पहनकर बाहर जाना पड़ता तो है, आजकल मैं ऑफिस जा रही हूँ एंड उसी वजह से जो मास्कनी की प्रॉब्लम है, जो रैशेस एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी मैं फेस करती हूँ, बट इस जेल को जब मैं अप्लाई कर लेती हूँ वो पूरा सप्रेस हो जाता है। इसका जो 30 ग्राम्स का ये ट्यूब है इसका प्राइस है 699 रुपीज़, बट डेफिनेटली ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी। मैंने इसके परचेजिंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, मेक श्योर यू चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज के लिए थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।